ऐसा दिन देंगे कि उनकी आत्मा कांप उठेगी, कांप उठेगी, कांप उठेगी। वो रही सोमा, पकड़ो उसे, वरना हम सबसे पहले मेले में पहुंच जाएगी। जल्दी आओ, जल्दी। आई तो हमारे साथ ही थी, लेकिन गई कहाँ? शोला बेन, शोला बेन, चाहिए अपने हाथ मुंह धो लीजिए। कहिए भरूच के सैनिक महोदय, हमसे क्या काम आन पड़ा? हंसा बेन, तुम्हारे गांव के दास दासियों को मेले में प्रवेश करने का प्रतिबंध है, फिर भी एक दासी ने प्रवेश करने का दुस्साहस ही नहीं किया, बल्कि हमारे साथ उद्दंडता भी की। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। भ्रम हुआ है तुम लोगों को। भ्रम नहीं, सच कह रहे हैं। अगर ये सच है तो हम जांच करेंगे और सिद्ध होने पर दासियों को जो दंड मिलेगा उसकी सूचना महल में पहुंचा दी जाएगी। राम राम। हम गए थे यवनपुरी ग्राम दीपावली का मेला देखने। अपराध स्वीकार करने से दंड कम नहीं होगा। हंसा बेन के कार्यशाला में सिर्फ मिट्टी के बर्तन ही नहीं बनते, मसाले भी कूटे जाते हैं और हमारी मिर्चें इतनी तेज हैं कि कुछ देर कूटो तो घंटों बिलबिलाते फिरते हैं दास। और तुम सबका दंड यही है कि 24 घंटे तुम सब मिर्च कूटोगी। रुक जाइए हंसा बेन, इन्हें छोड़ दीजिए, इनकी कोई गलती नहीं है। इन्हें मेला हम लेकर गए थे और हमने इन्हें धमकी भी दी थी कि अगर ये हमारे साथ मेला नहीं चलेंगी तो हम इनकी मटकियां फोड़ देंगे। जाने दो इन्हें। भरूच की राजकुमारी शोभा इस प्रकार अपने दिन गुजार रही थी, एक नए नाम, नई पहचान के साथ। इस तरह सब कुछ जरूर बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो वो था हमारी शोभा का दृढ़ विश्वास और उसकी प्रतिज्ञा। किसी को नहीं पता था कि जिस शोभा ने हंसा बेन की दासी का आवरण ओढ़ रखा था, दरअसल वो एक ऐसा नकाब था जिसमें छुपकर वो भरूच की त्राही त्राही करती प्रजा को भानुमान की क्रूरता से मुक्त कराने का संकल्प ले चुकी थी। वो भरूच जिस पर भानुमान का अत्याचार जितनी तेजी से बढ़ रहा था, उतनी ही तेजी से गजनबी का खजाना भी। हाँ।